ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, उनकी जानिब बढ़ते हैं। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सर आज की जो ये न्यूज़ कॉन्फ्रेंस है इसी हवाले से हम डिस्कशन कर रहे हैं और बड़ी अहम न्यूज़ कॉन्फ्रेंस थी। अंदरूनी सिक्योरिटी है, बिरूनी चैलेंजेस हैं, उन तमाम सवालात के जवाब बड़े वाजे अल्फाज में, दो टोक अल्फाज में आज सबको बता दिया गया है कि पाक फौज मुकम्मल तरह तैयार है, हर चैलेंज का सामना करना जानते हैं। ब्रिगेडियर साहब हम सुन पा रहे हैं? ब्रिगेडियर साहब से भी रब्ता करते हैं। डॉक्टर हसन अस्करी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, सोशल मीडिया के जो मामलात हैं उस पर जो तनकीद की जाती है उसके हवाले से भी ये बताया गया, बात की गई और ये भी बताया गया कि हमारे इदारे का डिसिप्लिन जो है वो इस बात की इजाज़त नहीं देता कि हर बात का जवाब दिया जाए। लेकिन ऐसी जो न्यूज़ कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, ये जो मौाक़े होते हैं, इसमें ये बड़ा अहम होता है कि जवाब जो है वो बड़ी क्लैरिटी के साथ दे दिया जाता है कि इस तरह के जो प्रोपेगेंडाज किए जा रहे हैं, जो मुहिम चलाई जा रही है, इसके पीछे कौन है और इसके हवाले से जो इदारा उसको इल्म है इस सारी बात का। देखिए, तो सोशल मीडिया का मसला ये है कि उस पे बराह रास्त कंट्रोल नहीं किया जा सकता, तो उस पे बहुत से लोग गैर जिम्मेदाराना अंदाज में जो बेपर की उड़ाई चले जाते हैं, तो इस सिलसिले में जहां एक तरफ उन्होंने उन बातों की निशानदेही की जिस किस्म की गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू होती है, वहां दूसरी तरफ ये भी कहने की जरूरत होती है लोगों को कि सोशल मीडिया पे अगर कोई खबर देखें या कोई वाकये की तफसील देखें तो उसको जब तक आप दूसरे रेगुलर सोर्सेज से वेरीफाई नहीं कर लेते उस वक्त तक उन गुफ्तगू पर या उस खबर पे एतबार नहीं करना चाहिए, क्योंकि गैर जिम्मेदाराना चीजें सोशल मीडिया में चलती रहती हैं। तो ये बात आपने दुरुस्त कही कि फौज उस तरह जवाब नहीं दे सकती जिस तरह मैं और आप कॉमेंट्स कर सकते हैं, उनको एक खास डिसिप्लिन में इजाजत के बाद गुफ्तगू करने की आदत होती है, तो इसलिए हर चीज का जवाब हर वक्त जो है एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंसिस का मतलब ही यही होता है कि जो प्रीवेलिंग इश्यूज चल रहे होते हैं उनको आप किस तरह देखते हैं और किस तरह फौज का पर्सपेक्टिव क्या है। तो आज हमें एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव पर्सपेक्टिव मिला, ना सिर्फ सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी जिसमें हिंदुस्तान और अफगानिस्तान, TTP और जो बलोच मूवमेंट्स हैं मुख्तलिफ किस्म की, और खासकर जो सबसे अहम बात थी कि इन मूवमेंट्स का जो पाकिस्तान में टेररिज्म फैलाती हैं इनके एक्सटर्नल इंटरनेशनल लिंकेजेस का भी तस्करा उन्होंने किया, जो कि हमें मालूम है कि इस किस्म की कार्रवाइयाँ गैर मुल्की सपोर्ट के बगैर और क्योंकि इसमें फंडिंग इन्वॉल्व होती है, कहीं से फंडिंग तो इनको मिलती है, उसके बाद ये एक मासूम शहरियों की को निशाना बनाते हैं, जैसा कि पिशावर में हुआ, कोयटे बलूचिस्तान में होता है, इसी तरह कराची में भी ये वाकयात जो है हमें बहुत ज्यादा नजर आए। और डॉक्टर साहब, ये कितनी अहम होती है ऐसी न्यूज़ कॉन्फ्रेंसेज जिसमें ये जो तमाम चैलेंजेस हैं, जो ऑपरेशंस किए गए हैं, जो इस सारे दौरान कार्रवाइयाँ की गई हैं, कितने दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया, कितनी जो है वो शहादतें हुई हैं, ये अपनी कौम के सामने रखना, ये तमाम जो मैसेज हैं वो पूरी कौम के साथ शेयर करना, ये कितना अहम होता है? देखिए, ये बहुत अहम है। वजह ये है कि इस वक्त जो जो काउंटर टेररिज्म की स्ट्रेटजी है ये माजी की स्ट्रेटजी से डिफरेंट है। माजी में जो 2014 में जो एक ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था ज़र्ब हज़्ब, वो 2017 तक चलता रहा जिसका हमें मीडिया से खबरें मिलती थी। अब जो ऑपरेशन है वो इंटेलिजेंस बेस्ड और टारगेटेड ऑपरेशन हैं, तो उनका आमतौर पर जो हम जैसे लोग जिनका बराह रास्त ताल्लुक नहीं होता फौज से उनको इतलाएं नहीं मिलती, तो इस किस्म के जब इकदामात की तफसील हमें दी जाती है तो उससे तो आम शहरी में एक एतमाद पैदा होता है, और एतमाद ये होता है कि उसको ये एहसास होता है कि हमारे सिक्योरिटी के अदारे जरूरी कार्रवाई कर रहे हैं, और जो ये एक खौफ की फिजा कायम की जाती है टेररिस्ट वाकयात से, वो फिजा कायम नहीं रह सकेगी बल्कि इस सिचुएशन को कंट्रोल कर दिया जाएगा। तो मुल्क में एतमाद बढ़ाने के लिए और लोगों का एतमाद सिक्योरिटी अदारों में बेहतर करने के लिए इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ये जो टेरर काउंटर टेररिज्म के इकदाम हैं इनकी तफसील देना बहुत अहम होती है।